अलवर गेट थाना अंतर्गत 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपी ने बनाया था शिकार। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना काल में जहां ऑनलाइन पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हुई, तो वहीं अजमेर की एक 13 वर्षीय छात्रा के लिए मुसीबत का सबब बन गई। अलवरगढ़ थाने में 13 वर्षीय बच्ची के परिजनों ने 27 फरवरी को अपनी बच्ची के साथ 22 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर अलवरगेट थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। अलवरगेट थाने के सब इंस्पेक्टर दातार सिंह मिड़तिया ने बताया कि कांकरदा भूणाबाई के रहने वाले महेंद्र गुजर को आज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम पर बच्ची और उस युवक में जान पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी महेंद्र गुजर उसे स्कूल से अपनी बाइक पर बिठाकर जनाना अस्पताल के पास एक होटल में ले गया और 2 बार उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी महेंद्र गुजर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। 2/21 को पीड़िता के परिवार ने थाना अजार पर एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी नाबालिग पुत्री है जो स्कूल में पढ़ने जाती है, उसके साथ में रास्ते में से दिनांक 22/21 को और 25/21 को जब स्कूल जा रही थी, तो महेंद्र गुजर निवासी कांकरिया अजमेर द्वारा मोटरसाइकिल लेकर आया और उसको वेला फुसलाकर स्कूल छोड़ने के बहाने बच्ची को ले गया और जनाना अस्पताल के पास में एक किसी होटल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया, जिसके अंदर थाना आजा पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी अनुसंधान श्रीमती सुनीता गुजर SHO द्वारा की जा रही है, जिस पर तलाशी टीमें गठित की गई, जिसको कल दस्तियाब कर थाना आजा पर लाकर पूछताछ की गई और उसको गिरफ्तार किया गया है महेंद्र गुजर को, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाकर उसका रिमांड लेकर आया और उससे मुकदमे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया? आरोपी बस स्टैंड अजमेर के पास में मिला था, जिसको कल दस्तियाब करके थाने पर लगा, थाने आ जाकर गिरफ्तार किया गया। परिचित है पीड़िता का? परिचित है आरोपी? नहीं, पीड़िता का इतना परिचित नहीं है, लेकिन इस बारे में गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं कि भाई इनकी कैसे उसको कैसे बहलाया फुसलाया। पीड़िता नाबालिग है और कहीं पढ़ने जाती है, स्कूल में रास्ते से उठाया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना यह संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।